फिर मुझे एक नल जल अनुरक्षक का एक लेटर मुझे प्राप्त हुआ है, जिस लेटर में लिखा हुआ है अनुरक्षक के भत्ता भुगतान करने के संबंध में। जब कोई अनुरक्षक किसी वीडियो के यहाँ जब फोन करता है कि सर हम अनुरक्षक बोल रहे हैं, तो वहाँ कहा जाता है कि अनुरक्षक, अनुरक्षक क्या होता है, अनुरक्षक कौन है, और यहाँ लेटर निकला है। यह लेटर जो है पत्रांक 665 दिनांक 17/9/2022 का लेटर है, कार्यालय प्रखंड विकास पदाधिकारी बनकटवा पूर्वी चंपारण मोतिहारी। प्रेषित सभी 9 निर्वाचित पंचायत वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधक समिति सचिव बनकटवा। विषय में लिखा गया है अनुरक्षक के भत्ता भुगतान करने के संबंध में। जी, यहाँ अनुरक्षक की भत्ता भुगतान करने के संबंध में यह लेटर जारी हुआ है कि जो भी पैसा नए वार्ड सदस्य के खाते पर आ रहे हैं उसको अनुरक्षक को भुगतान करने के संबंध में। प्रसंग, जिला पंचायत राज पदाधिकारी पूर्वी चंपारण मोतिहारी के ज्ञापांक 2716 दिनांक 6/8/2022 एवं इस कार्यालय के ज्ञापांक 580 दिनांक 8/8/2022 के आलोक में यह जिला पंचायती राज पदाधिकारी ने जो ज्ञापन दिया गया था, जिसका ज्ञापन संख्या 2716 है, इसी के आलोक में यह लेटर चिट्ठी जारी किया गया है। आगे क्या लिखा है, महाशय उपयुक्त प्रशासनिक पत्र के आलोक में कहना है कि सभी पंचायतों में वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधक समिति के खाते में 24,000 रुपया वित्तीय वर्ष 2021-22 में कार्यरत अनुरक्षकों, वार्ड सदस्य या चयनित अनुरक्षकों के भुगतान हेतु भेजा गया है। जी, तो यहाँ पर आप समझ लेंगे कि फिर से मैं पढ़ दे रहा हूं कि वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधक समिति के खाते में 24,000 रुपया वित्तीय वर्ष, मतलब पुराना वर्ष का रुपया है 2021-22 में, जो अनुरक्षक के पद पर चयन किया गया था, कहीं कहीं अनुरक्षक नहीं था, कहीं कहीं वार्ड ही काम किया था, तो यही चीज दर्शाया जा रहा है कि 2021-22 में कार्यरत अनुरक्षकों, वार्ड सदस्य या चयनित अनुरक्षकों के भुगतान हेतु भेजा गया है। तो जहां भी चयन कर दिया गया अनुरक्षक को उसके लिए पैसा गया है, और जहां नहीं चयन किया गया है, जहां सिर्फ वार्ड सदस्य थे उनके लिए पैसा गया है, पैसा भेजा गया है। परंतु आप लोगों द्वारा विभागीय पत्रों की अवहेलना करते हुए आज तक इस राशि का भुगतान पूर्व के चयनित अनुरक्षकों को नहीं दिया जाना खेद की बात है। यहाँ बहुत दुख व्यक्त कर रहे हैं वीडियो साहब, प्रखंड विकास पदाधिकारी, कि अभी तक नए वार्ड सदस्यों के द्वारा पूर्व के वार्ड सदस्यों को या जो चयनित अनुरक्षक है उनको अभी तक पैसा नहीं दिया गया, यह बहुत ही खेद की विषय है। इस पत्र के माध्यम से पुनः समारित किया जाता है कि उक्त राशि का भुगतान 2 दिनों के अंदर करना सुनिश्चित करें, अन्यथा आप लोगों के विरुद्ध सरकारी आदेश की अवहेलना करने, लोक सेवक आचार नियमावली के उल्लंघन पर कार्रवाई करते हुए आपके मानदेय का भुगतान अगले आदेश तक रोक दी जाएगी, इससे अति आवश्यक समझे। तो कहीं कहीं बिना जानकारी के अभाव में जब नए वार्ड सदस्य के खाते पर पैसा जा रहा है तो यह समझ में नहीं आ रहा है नए वार्ड सदस्य को कि इस पैसा को हम क्या करें, जबकि जब पैसा जा रहा है उस पैसा के साथ साथ अगर इस तरह का लेटर भेज दिया जाए तो कोई कठिनाई नहीं होगी,
पैसा जिसको देना है उसको पैसा मिल जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, जिसके कारण इस तरह का लेटर वीडियो साहब के माध्यम से भेजना पड़ रहा है और खेद व्यक्त कर रहे हैं। तो इस चिट्ठी के माध्यम से आप लोग समझ ही गए होंगे कि अनुरक्षक की राशि भेजी गई है, जो आज से 2 साल 3 साल 4 साल पहले से जो पानी चलाते आए हैं उनके लिए 24,000 रुपये, जो 2021 का यह रुपया है, अनुरक्षक जो पानी चलाया है, जो वार्ड सदस्य पानी चलाया है उनके लिए है, यह पैसा उनको ही मिलना चाहिए, उनको ही देना चाहिए। फिर इसी तरह हम वीडियो बनाते रहेंगे, जैसे जैसे मुझे चिट्ठी प्राप्त होगी, जैसे जैसे चिट्ठी मुझे मिलेगा वैसे वैसे आप लोगों को जानकारी देते रहेंगे। जानकारी के लिए अगर आपके तक सबसे पहले वीडियो पहुंचे, इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सबसे पहले आप तक मेरा वीडियो पहुंचे और आपको जानकारी प्राप्त हो। आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।